अति राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवाद। 19वीं सदी के अंत में जैसे जैसे यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे, उन देशों की सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए उकसाया। सारे राष्ट्र यही मानने लगे कि जिसके पास सबसे अधिक भूमि होगी, सबसे अधिक उपनिवेश होंगे, वही सर्वशक्तिमान होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल देंगे। दूसरी ओर कई नए समुदाय जिनकी अपनी भाषा या धर्म था, अपने आप को राष्ट्र मानकर अपने लिए स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। इनमें प्रमुख थे पोलिश, चेक, हंगरी, स्लाव तथा यहूदी, जर्मन, ऑस्ट्रियाई, रूसी और तुर्की साम्राज्यों पर पड़ा। लेकिन समस्या यह थी कि एक ही भाषा बोलने वाले कई दूर दूर के इलाकों में बटे हुए थे। इन सब बातों के कारण यूरोप की राजनीति में उथल पुथल मचा रहा। देशों के अंदर और एक दूसरे के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। सभी लोग यही मानने लगे कि इन समस्याओं का समाधान युद्ध के माध्यम से ही हो सकता है। राष्ट्रीयता की संकुचित भावना, स्वार्थ, आर्थिक हित और कूटनीति इतनी बढ़ गई थी कि शांति की बात करना बेमानी हो गई थी। शांति और सद्भावना के स्थान पर आशंका, भय और द्वेष की भावना बढ़ गई थी। इस समय कई लोग डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे और वे सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते थे, अर्थात वे सोचते थे कि योग्यतम राष्ट्र ही बचेगा और उन्नति करेगा। अतः यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। विभिन्न राष्ट्र के लोग अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और कमजोर राष्ट्रों पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे। समाचार पत्रों का जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय सभी देशों के समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे जनता में उत्तेजना बढ़ी और शांति समझौता करना कठिन हो गया। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में कैसर विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई, तो जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड को अपना शत्रु समझ लिया। इसी प्रकार जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड की जनता को उकसाया। फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण बिगड़े। सैन्यवाद भी अति राष्ट्रवादी भावनाओं का परिणाम था। हर देश इस समय अपने सैनिक बल को बढ़ाने तथा अपनी सेना को अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस करने में जुट गए। देशों के बीच होड़ सी लग गई थी कि किसके पास सबसे बड़ी सेना है, किसके पास सबसे अधिक युद्धपोत हैं, किसके पास सबसे अधिक तोप आदि हैं। सैन्यवादी भावना न केवल शस्त्र भंडार निर्मित कराती है, बल्कि आम लोगों में एक सैनिक मनोदशा भी विकसित करती है, एक खास तरह के अनुशासन की भावना विकसित करती है, जैसे शासन व अधिकारियों की किसी नीति पर प्रश्न न करना और उनकी सब बातों को स्वीकार कर लेना और जो आदेश दिया जाता है उसे पालन करना। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, किंतु सैन्य शासकों के लिए बहुत उपयोगी होता है। सैन्यवाद एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर करके अधिनायकवाद को सुदृढ़ करता है। इस प्रकार सैन्यवाद के दो पक्ष होते हैं, एक ओर सैनिक शक्ति और शस्त्रों के अंबार को बढ़ाना और दूसरी ओर लोगों में राज्य की नीतियों को बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए तैयार करना। तालिका दो में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सभी बड़े देश युद्ध की तैयारी कर रहे थे और सेना व शस्त्रों पर खर्च लगातार बढ़ा रहे थे। केवल 14 वर्षों में सन 1900 से 1914 के बीच सैनिक खर्च 20 करोड़ पौंड से दुगना हो गया। इन देशों में बहुत से कारखाने केवल शस्त्र उद्योग पर आधारित थे और बहुत से पूंजीपति उनमें यही सोचकर निवेश कर रहे थे कि युद्ध होगा तो इनकी मांग और बढ़ेगी और वे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यूरोप के देशों में युद्ध विरोधी धारा धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से मजदूर आंदोलन और महिला अधिकार आंदोलन के लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने यह कहकर युद्ध का विरोध किया कि यह लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि शासकों के हितों में था। सन 1914 में युद्ध के खिलाफ बोलने वालों में जर्मनी के कार्ल लाइबनिट्ज़, पोलैंड के रोजा लक्सबर्ग, रूस के लेनिन
और ब्रिटेन की सिल्विया पेंकहर्स्ट प्रमुख थी। जब युद्ध में हजारों लोग मारे गए या अपाहिज होकर घर लौटने लगे तो युद्ध की वास्तविकता सामने आने लगी और लोगों में विरोधी भावना प्रबल होने लगी।